मीरा भाईंदर, पश्चिम में बीजेपी द्वारा मनाया गया भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म जयंती दिवस। धन्यवाद मोदी जी कार्यक्रम के तहत सरकार द्वारा निर्धारित कई योजनाओं पर की गई चर्चा। आपको बता दें कि भाईंदर पश्चिम की पूर्व नगर सेविका रीटा शाह ने अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म जयंती के दिवस पर धन्यवाद मोदी जी कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के संचालकों ने जनता के समक्ष अपनी अपनी बातें रखी। वही कार्यक्रम में प्रमुख रूप से उपस्थित रहे नेतागण और गण्यमान्य लोगों ने अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए उनके राजनीतिक जीवन और कविताओं के साथ साथ आधुनिकता को लेकर उनकी रुचि पर चर्चा की। साथ ही बीजेपी सरकार द्वारा देश में चल रही सभी योजनाओं को जन जन तक ले जाने की बात कही। आइए आपको सुनाते हैं हमसे बात करते हुए प्रमुख अतिथियों ने क्या कहा। आज श्रद्धेय अटल जी को याद करते हुए मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि अटल इन्फॉर्मेशन सेंटर जैसे जानकारी हमें मिली है, युवाओं के लिए बहुत ही लाभदायक ऐसा सेंटर यहाँ मराठवाड़ा पालिका में खुला हुआ है। तो मैं चाहूंगी कि ऐसी सभी चीजों का हमारे मीरा भाईंदर के सभी युवा उसकी एक बार तो मुलाकात जरूर ले। और किसी को क्या पता कभी भी स्टार्टअप के लिए उनका जो अभी तक दिशाहीन है उनको एक राह मिलेगी कि हम स्टार्टअप जरूर से कर ले। तो मैं ऐसे सुंदर कार्यक्रम के लिए रीटा जी का और बाकी सभी आयोजकों को धन्यवाद करना चाहूंगी और ऐसे कार्यक्रम होते रहे ताकि हमारे युवाओं को एक दिशा मिले। हमारे परम श्रद्धेय भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती है और पूरा देश इस जन्म जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मना रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने अपने अपने बूथ पे अपने अपने प्रभागों के अंदर इस दिन को सुशासन दिवस के रूप में सेवा कार्य करके डोनेशन कैंप का आयोजन करके मेडिकल कैंप का आयोजन करके अलग अलग सेवा कार्य के रूप के अंदर लोगों ने बनाया। उसी की कड़ी में आज नरेंद्र मोदी विचार मंच जो अपने आप के अंदर एक संघ की ही संस्था है जो कि देश के लिए कार्य करती है और उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो आदरणीय रवि चाणक्य भाई साहब है जो कि हमारे बड़े भाई की तरह हमें मार्गदर्शन देते रहते हैं। और मीरा भाईंदर जिला के अंदर व्यास कुमार जी रावल को इसका दायित्व है, रीटा शाह मैडम इस कार्यक्रम का आयोजन इन्होंने किया है। तो अपने आप के अंदर बड़े ही सुंदर अटल जी के जीवनी के ऊपर जो उनकी महान जीवन है उसको जो विचार लेने चाहिए थे, जो विचार मिलने चाहिए वो विचार इस कार्यक्रम के आज हमें सुनने को मिले। अपने आप के अंदर जिस तरीके से अखंड भारत, हिंदू राष्ट्र और कई सारे जो हमारा मिशन है उन सभी मिशन के बारे में यहाँ पे सकारात्मक चर्चा हुई और मैं इस कार्यक्रम के लिए व्यास कुमार जी को, गौरंग कंसारा जी को, रितेश जी को, रीटा शाह मैडम को, सभी को दिल से साधुवाद देता हूँ। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म जयंती है, हमारे लिए वो महापुरुष थे और पंतप्रधान के पद के ऊपर आने के बाद में 3 बार वो विराजमान हुए और उन्होंने जो शासन करके दिखाया भारत वर्ष में, इसके लिए उनकी जन्म जयंती को सुशासन दिन के तरीके हम लोग मानते हैं। और इतने महान पुरुष के दिन पे मैंने धन्यवाद मोदी जी का कार्यक्रम रखा क्योंकि योगी जी आज युग पुरुष के नाम से पहचाने जाते हैं, आज विश्व गुरु करके उनको बुलाया जाता है, आज उन्होंने हमारे भारतवर्ष का नाम बहुत ऊंचा पूरे विश्व में किया है। तो इसके लिए मैंने दोनों महापुरुषों का कार्यक्रम मर्ज करके मैंने एक अच्छा कार्यक्रम देने की कोशिश की नरेंद्र मोदी मंच के द्वारा। और मैं व्यास जी को भी बहुत सारा धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने नरेंद्र मोदी मंच के निजाते ले हमें ये कार्यक्रम देने की अनुमति दी, मैं बहुत बहुत उनकी शुक्रगुजार हूँ। ये कार्यक्रम के द्वारा हम लोगों में यही मैसेज देना चाहते हैं कि हमने पोस्ट कार्ड बनाया है कि मोदी जी ने हमारे भारत वर्ष के लिए क्या काम किया, ये पोस्ट कार्ड आपको भरकर देना है कि आपके लिए आपके दिल में मोदी जी के लिए क्या भावना है वो आपको 2 लाइन में 4 लाइन में लिख कर आपका नाम, एड्रेस और मोबाइल नंबर उसमें लिखना है जो हम दिल्ली में मोदी जी तक हम लोग पहुँचाने वाले हैं। और ये कार्यक्रम हम आज से हमने शुरुआत किया है और हम अभी रोड़ों पे टेबल डाल के बैठने वाले हैं और बहुत सारे पोस्ट कार्ड लेके बैठेंगे और लोगों को आह्वान करेंगे कि भारतवर्ष में मोदी जी ने आज तक जो काम किया है वो काम आपको कैसा लगा, आपके दिल में उनके प्रति क्या भावना है, कौन सा काम अच्छा हुआ या तो कौन सा काम और अच्छा कर सकते थे, ये सारी भावनाएं आप हमें लिख कर हमें पोस्ट कार्ड में दीजिए। तो कल से हमारा वो प्रोग्राम फिर से शुरू कंटिन्यू रहेगा और हम करीबन 8 दिन अगले रविवार तक हम ये कार्यक्रम कंटिन्यू रखने वाले हैं। नरेंद्र मोदी ने अपनी योजनाओं के माध्यम से एक समाज के अंतिम तबके तक बैठे व्यक्ति को तक नरेंद्र मोदी की जो जितनी भी योजना है वो वहां तक कैसे पहुंचे, ये हमारे नरेंद्र मोदी विचार मंच का कार्य है। और आज हमारे दिवंगत अटल जी की जन्म जयंती है
और पंडित मदन मोहन मालवीय जी की भी जन्म जयंती है। तो अटल जी की जन्म जयंती के निमित्त हमने ये आज का ये कार्यक्रम किया और इस कार्यक्रम में मोदी जी की योजनाओं से जितने भी लाभार्थी लोग हैं उन लाभार्थी लोगों को हमने यहाँ पर बुलाया और धन्यवाद मोदी जी की के प्रति हमने कृतज्ञता प्रकट की है और हम पत्र के माध्यम से भी मोदी जी का धन्यवाद करते हैं। ये एक मंच है नरेंद्र मोदी विचार मंच, तो उनके मंच से 6 माननीय आए थे यहाँ पे, अलग अलग रूप में 6 माननीय आए थे। उन्होंने अपने मंच के थ्रू नरेंद्र मोदी जी अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में कुछ बातें कही जो आम नागरिक को समझनी जरूरी है। उनको कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है कि हमें नहीं पता होती है, तो ये जो ज्ञानी लोग हैं जिन्होंने उन्हीं के ऊपर रिसर्च किया है, तो बेसिकली उन्होंने बताया कि ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के उपलक्ष्य में उन्होंने क्या क्या उपलब्धियाँ की है उनके माध्यम से। दूसरा, नरेंद्र मोदी विचार मंच के जो मोदी जी के हमारे विचार है उनके विचार को किस तरह से समाज तक हम लेके जा सकते हैं, तो ये सारी बातें जो माननीय आए थे, जिसमें हमारे प्रमुख थे वक्ता उदय वाकावाला जी जो CEO है नरेंद्र मोदी विचार मंच का, तो उन्होंने बहुत सारी बातें बताई। तो ये एक मैं मानता हूँ कि लाभदायी होगा हमारे समाज के लिए, हमारे जो जनता है उनके लिए, कि उनके जो विचार थे उनकी जो उपलब्धियाँ है, कि उन्होंने सारी बातें जो बताया कि ITCL किस तरह से काम करता है, किस तरह से नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं, किस तरह से अटल बिहारी जी का विजन था, वो सारी बातें उन्होंने बताई, तो ये एक अच्छा है मैसेज रहा। तो ये जो बेरोजगारी का बहुत बड़ा मुद्दा वो लेके आए थे कि बेरोजगारी को किस तरह से दूर करें, तो उन्होंने कुछ 6 या 7 मिनट उनके ऊपर जो भी उनका विचार रखे वो बहुत काम के आज के युवाओं के लिए। मुझे ये अच्छा लगा कि भगवान श्री राम के बारे में सभी जानकारियां देते हैं, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा कि हाँ भगवान के वजह दुनिया क्रिसमस डे मना रही है, हम अपने हिंदू धर्म में भगवान श्री राम और तुलसी जी का नाम लेके बहुत बहुत हमको बहुत अच्छा लगा इसके बारे में। कार्यक्रम जिन्होंने आयोजित किया सारे सर ने, रीता शाह मैडम ने, सब लोग ने अच्छा कार्यक्रम किए थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। 2005 से ही स्टार्ट है मगर हम लोग को इतना पता नहीं था, आज सब ज्यादा पता चला और नरेंद्र मोदी जी के बारे में ज्यादा ये कार्यक्रम आयोजन किया रीटा शाह जी ने, उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद।